आप देख रहे हैं इंटरनेशनल SSE न्यूज। मां नर्मदा को प्रदूषण मुक्त रखने के संकल्प के साथ ओढ़ाई 1008 मीटर की चुनरी। मुकाती परिवार करोली द्वारा मां नर्मदा को चुनरी अर्पण करते हुए मां नर्मदा को प्रदूषण मुक्त रखने के संकल्प के साथ संजय मुकाती के बेटे भव्य का जन्मदिन बड़ी ही सादगी के साथ समाज को नया संदेश देते हुए मनाया। वहीं कार्यक्रम में पधारे सभी समाज बंधुओं और गणमान्य नागरिकों ने मां नर्मदा और प्रकृति को प्रदूषण मुक्त रखने का संकल्प लिया। नर्मदा तट पर मनोज पाटीदार ने मां नर्मदा को प्रदूषण मुक्त रखने का संकल्प दिलाया। कथावाचक पंडित श्याम सुंदर पौराणिक के आचार्य तत्व में पंडित मुकेश जोशी, पंडित रघुनाथ पौराणिक, पंडित तिलोक तिवारी ने पूजा अर्चना कराई। सर्वप्रथम मां नर्मदा की पूजा अर्चना करते हुए दक्षिण तट से उत्तर तट तक मां नर्मदा को 1008 मीटर की चुनरी चढ़ाई गई। इसके पहले 11 लीटर दूध से मां नर्मदा का अभिषेक किया। वहीं 21 किलो आटे और 10 किलो सेब चने से मछलियों को भंडारा कराया। मां नर्मदा की पूजा करने के पश्चात 11 किलो हलवे की प्रसादी का वितरण किया गया। वहीं सामने घाट पर मां नर्मदा भक्त द्वारा विगत 30 वर्षों से प्रतिदिन रात्रि 8 बजे मां नर्मदा की आरती की जा रही है। मुकाती परिवार ने इस धार्मिक कार्य को लगातार संपन्न कराने के लिए मां नर्मदा भक्त मंडल के नवनीत महाजन श्री सोनी, दिनेश राठौड़, गौरा भाई बघेला, महाजन जीजा का शॉल श्रीफल से सम्मान किया। ब्यूरो रिपोर्ट SSE न्यूज महेश्वर।